नमस्कार दोस्तों, टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे लाल रक्त कणिका के बारे में। लाल रक्त कणिका है वो रक्त के अंदर पाई जाती है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इसका क्या काम है और ये कहाँ बनती है, इन सभी बातों के ऊपर हम विस्तृत रूप से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। अब हम आगे देखते हैं, जो लाल रक्त कणिका होती है, ये लाल रक्त कणिका जो रुधिर होता है उसका एक प्रमुख भाग होता है। ये कुल रक्त कणिकाओं का 99% यानी 99% जो रक्त कणिकाएं हैं वो आरबीसी होती है। मतलब 5 से 6 लीटर जो रक्त होता है उसके अंदर जितनी भी रक्त कणिकाएं हैं, चाहे WBC हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, उन सब का 99% यानी कि WBC और प्लेटलेट्स केवल 1% है। 99% जो बड़ा भाग है वो कौन बनाती है, आरबीसी बनाती है। आरबीसी है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, जो परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। हालांकि जब जो बोन मेरो है, अस्थि मज्जा होती है हड्डी के अंदर, जब आरबीसी की उत्पत्ति होती है तब इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, परंतु बाद में ये केंद्रक विलुप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं परिपक्व अवस्था में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नॉर्मल रूप से अगर प्रश्न पूछा जाए कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो हमारा जो उत्तर होगा वो नहीं होगा। परंतु एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ऊंट और लामा दो ऐसे प्राणी हैं, स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं। ऊंट और लामा स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, मेमेलियन है ये। तो इनकी जो आरबीसी होती है, इनकी आरबीसी में केंद्र पाया जाता है, ध्यान रखो इंपॉर्टेंट बात है। ऊंट और लामा जो स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, इनकी जो आरबीसी होती है उसके अंदर आपके केंद्र पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो मेमेलियन है, स्तनधारी वर्ग के प्राणी है, उनके अंदर है ये आरबीसी में जो केंद्र है नहीं पाया जाता है, केंद्र विहीन होती है, केंद्रक वीर होती है, ध्यान रखना है। इसीलिए इसको छोटी कोशिका भी नहीं माना गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीसी के आकार की। किसकी बात करते हैं, आरबीसी के आकार की और इसकी आकृति की। तो आपको ध्यान रखना है, तो आरबीसी होती है उसकी जो आकृति होती है वो होती है उभय अवतल प्रकार की। इस प्रकार की होती है उभय अवतल, उभय प्लस अवतल, उभय अवतल प्रकार की होती है, या वृत्ताकार कह सकते हैं या डिस्क रूपी कह सकते हैं। आपको पीछे बैकग्राउंड के अंदर है वो शो हो रहा है, किस प्रकार की इसकी आकृति होती है। तो हमने बात की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसकी जो आकृति होती है वो उभय अवतल होती है या डिस्क रूपी होती है या हम कह सकते हैं वृत्ताकार होती है। आपको बैकग्राउंड के अंदर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उस आकृति की होती है, उस प्रकार सोचना है दिमाग के अंदर इसको बिठाना है कि इसकी आकृति है वो उभय अवतल होती है, ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो आरबीसी होती है उसके आकार की, उसकी साइज क्या होती है। अगर इसका व्यास देखा जाए आरबीसी का, तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है, ध्यान रखना, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। और इसकी जो मोटाई होती है आरबीसी की वो लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। इसके बाद में मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आपको, जो आरबीसी होती है इस आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखो कि क्या नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं तो क्या मतलब है इसका, आपको सोचना पड़ेगा। इसी प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, रटे रटाए हुए प्रश्न काम नहीं आएंगे। अब देखो, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, तब आप वहां पर अटक जाएंगे। फिर आपको अगर समझा हुआ है बातों को तो आप याद कर लोगे, याद आ जाएगा।
ये जो आरबीसी होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, तो इसके अंदर एवायवीय श्वसन होगा, डेफिनेट इसके अंदर एवायवीय श्वसन होगा। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना वायवीय श्वसन हो नहीं सकता, इसलिए आरबीसी के अंदर एवायवीय श्वसन ही होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ये जो आरबीसी होती है उसकी संख्या पुरुष के अंदर कितनी पाई जाती है और जो महिला होती है उसके अंदर कितनी पाई जाती है। तो जो पुरुष होते हैं उनके अंदर आपके लगभग 52 लाख प्रति घन मीमी एवरेज देखा जाए, ज्यादा भी हो सकती है थोड़ी सी और कम भी हो सकती है, एवरेज बता रहा हूं मैं, 52 लाख प्रति घन मीमी पुरुषों के अंदर आरबीसी की संख्या होती है। घन मीमी का मतलब है एक ऐसा डिब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो 1 mm हो, तो उस 1 mm के अंदर रक्त डाला जाए, उस रक्त के अंदर लगभग 52 लाख क्या होगी आरबीसी होगी। और जो महिला होती है उसमें जो आरबीसी है थोड़ी सी क्या होती है डाउन होती है, महिला के अंदर 47 लाख प्रति घन मीमी, लगभग 47 लाख प्रति घन मीमी आरबीसी की संख्या पाई जाती है, यह आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इसके बाद बात करते हैं हम जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में एक रेस्पिरेशन पिगमेंट पाया जाता है, श्वसन रंजक बोल सकते हैं, श्वसन वर्णक कह सकते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल होता है। सामान्यतः आरबीसी वो पीले रंग की होती है, ये आप कहाँ देख सकते हो, एक आरबीसी को अगर देखते हैं तो ये पीले रंग की होती है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कक्षा जो 8वीं की आरबीसी की बुक है उसके अंदर लिखी हुई है। परंतु जब ये झुंड में होती है, हीमोग्लोबिन उपस्थित है, तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में हम बात करते हैं जो तो हीमोग्लोबिन है ये श्वसन वर्णक है और ये ऑक्सीजन को जो फेफड़े हैं वहां से शरीर के विभिन्न भाग है वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन परिवहन करने का कार्य है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन होती है, क्या होती है, ये एक संयुग्मी प्रोटीन होती है, यानी कि इसके अंदर है फेरस आयन पाया जाता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है प्रोटीन की बनी हुई, ऐसी जो प्रोटीन होती है जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा कुछ और भाग हो तो ऐसी प्रोटीन को हम संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आरबीसी में, ये जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको घोलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम आगे बात करते हैं जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा, उसमें क्या होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 फेरस आयन युक्त हिम समूह होता है और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है एक अणु के अंदर, 4 फेरस आयन हिम समूह में और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, ये मिलकर एक हीमोग्लोबिन के अणु का निर्माण करती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर जो केंद्रीय धातु के रूप में आयन पाया जाता है वो होता है फेरस आयन, क्या होता है, फेरस आयन। और हीमोग्लोबिन है एक व्यक्ति के अंदर आपके नॉर्मल रूप से देखा जाए तो जो 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है, ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पूछ जाए कि व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है तो आपको बताना है 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी कि 100 ml रक्त के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी जो है इसका निर्माण कहाँ होता है। व्यस्क अवस्था के अंदर नॉर्मल रूप से देखा जाए तो जो आरबीसी है उसका निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है, रेड बोन मेरो के अंदर, जो शरीर की बड़ी और लंबी अस्थियां होती है उनके अंदर जो बीच वाला भाग है उसे हम लाल अस्थि मज्जा कहते हैं अंदर वाला, उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आरबीसी होती है
इस आरबीसी का विघटन कहाँ होता है ये पूछा जाए तो यकृत और पलिया, तो स्प्लीन कहते हैं ये पलिया को, यकृत और पलिया के अंदर आरबीसी का विघटन होता है, और विघटन होने के बाद में जो इसका आयरन वाला भाग है, लोहे वाला भाग है, इन समय वो तो यकृत के अंदर संग्रहित कर लिया जाता है, और बाकी जो प्रोटीन वाला भाग है हीमोग्लोबिन का, उसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो पित्त वर्णक होते हैं उनके अंदर तोड़ दिया जाता है या बना दिया जाता है, बदल दिया जाता है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में जो पित्त वर्णक का एक हिस्सा होते हैं, ये ध्यान रखना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आरबीसी होती है उसके अंदर एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है, इसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसकी मात्रा है वो काफी बढ़ जाती है। एक चीज में इंपॉर्टेंट आपको और बताता हूँ, जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल 120 दिन होता है या 4 महीने होता है, यानी कि जब इसकी उत्पत्ति होती है उसके बाद 120 दिनों बाद में इसकी, लगभग 120 दिनों बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है, यकृत और पलिया के अंदर विघटन हो जाता है, इसीलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और जो एक एक ये भी चीज याद रखनी है, जो शिशु होते हैं भ्रूणावस्था में जो आरबीसी है उसका निर्माण है, भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का जो निर्माण है वो यकृत और पलिया के अंदर ही होता है, ये ध्यान रखोगे, यकृत और पलिया के अंदर ही आरबीसी का निर्माण होता है भ्रूणावस्था में। धन्यवाद।